भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति और प्रगति को प्राप्त करते रहें। देव उठनी एकादशी के बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों का आरंभ हो जाता है। विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम देव उठने के बाद ही शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह और कार्तिक एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 सोमवार की शाम को 6:47 से हो जाएगा, जो कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार को दिन में 4:05 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं बहनों, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को और अन्य संप्रदायों को मानने वाले भक्तों को सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन ही करना चाहिए। और इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो दिन रहेगा, व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो 13 नवंबर 2024 बुधवार प्रदोष के दिन सुबह 7 से 9 के बीच में आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। देव उठते ही चातुर्मास समाप्त हो जाएगा और विवाह आदि मांगलिक कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गोमाता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी भक्तजन, माताएं बहनें प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और कुछ कुछ एकादशियों का व्रत करते हैं तो आपको कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह दामोदर मास के नाम से जाना जाता है। कार्तिक महीना सबसे बड़ा महीना है और साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप कार्तिक मास को माना गया है। तो कार्तिक मास में आने वाली जो एकादशी है यानी देव उठनी एकादशी, वो अपने आप में एक बड़ी एकादशी है। इसलिए इस दिन सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। और इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं और प्रभु का जब जागरण होता है उस समय भक्त यदि उनसे कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी इच्छा रखेंगे तो अवश्य ही भक्तों की इच्छा को प्रभु पूर्ण कर देंगे। इस एकादशी के दिन प्रभु को जागरण करवाया जाता है तथा शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शालिग्राम जी के साथ में तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। तो सभी भक्तजन अपने अपने निवास स्थान में
माता तुलसी जी का और भगवान शालिग्राम का विधि विधान से विवाह संपन्न करेंगे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य भगवान शालिग्राम जी का माता तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न करता है या करवाता है, उसके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता है, उसके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। और पिछले 7 जन्मों के यदि कोई भी दोष होंगे, पाप होंगे, या दाम्पत्य जीवन में कोई कठिनाइयां उत्पन्न हो रही होगी, वैवाहिक सुख उसको नहीं मिल पा रहा होगा, तो वो सारे दोष और पाप से वह मुक्त हो जाएगा और पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और अगले 7 जन्मों तक कभी भी उसको दाम्पत्य का यानी वैवाहिक दुख नहीं भोगना पड़ेगा। उसके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और उसके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो यदि आप स्वयं अपने द्वारा माता तुलसी का और शालिग्राम जी का बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में विवाह संपन्न करते हैं या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाते हैं, तो निश्चित तौर से आपका भाग्योदय होगा। आपके विवाह संबंधी या पति पत्नी संबंधी जो भी समस्याएं चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। किसी वर या कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको अपने निमित्त तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह अवश्य संपन्न करवाना चाहिए, जिससे उनके विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या ब्राह्मण देवता के माध्यम से करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, हम आपको उचित परामर्श प्रदान करेंगे। जो भक्तजन माताएं बहने एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन कई बार एकादशी तिथि लग जाती है, ऐसे में भक्तों का एक सवाल आता है, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि एकादशी तिथि लग गई है, क्या हम भोजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उस दिन आप भोजन कर सकते हैं। दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आप आराम से कर सकते हैं। आपको डरने की, घबराने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगले दिन जो एकादशी सूर्योदय को स्पर्श करती है या द्वादशी को स्पर्श करती है उसका ही व्रत शास्त्रोक्त में बताया गया है। इसलिए आपको अगले दिन ही एकादशी का व्रत करना है और इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 11 नवंबर 2024 सोमवार को करना है और एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को करना है। और द्वादशी यानी व्रत का जो पारणा का दिन रहेगा वो 13 नवंबर 2024 बुधवार का दिन रहेगा। इस बार देव उठनी एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान करके भगवान को उठाए, यदि संभव हो तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजो, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यदि इस मंत्र का आप उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप केवल इतना बोल दीजिएगा कि हे प्रभु आप उठिए, आप जागिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो, हे गरुड़ध्वज, हे नारायण आप जागिए, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदो, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजो, उत्तिष्ठ कमलाकांत, हे लक्ष्मी के नाथ आप जागिए, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु,
यानी त्रिलोक में मंगल ही मंगल करिए, शुभ ही शुभ करिए और हमारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करिए। इस प्रकार प्रभु को उठा करके उनका अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें, पूजा अर्चना करें और एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प लेना चाहिए और यदि आप सकाम भाव से व्रत धारण करते हैं तो भी आपको एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनी भोक्षामी पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, हे नारायण, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके, व्रत रख करके, फलाहार करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। यह पंक्ति भी यदि आपने उच्चारित कर दी तो आपका संकल्प माना जाएगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो हम जो संकल्प अभी बोल करके आपको सुना करके बता रहे हैं उसको सुनते हुए भी आप एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। एकादशी व्रत का संकल्प करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल में, देवघर में, भगवान के मंदिर में अथवा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाइएगा। शुद्ध घी के दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। यदि शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर लीजिएगा और एक थाली में आपको गंध, चंदन और जव तिल, तुलसी पत्र, पीला पुष्प, कुछ दक्षिणा, ये सब सामग्री रख करके, शुद्ध जल रख करके हाथ की मुद्रा को इस प्रकार कर लीजिएगा तथा हाथ के मध्य भाग में सबसे पहले जल रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे, सुपारी रखे, जव तिल रखे, कुछ दक्षिणा रखे, पीला पुष्प रखे और आपको सबसे पहले बोलना है ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णु रेवच योगश्च कर्णम विष्णु सर्वम विष्णु वयम जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञयः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत् मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्य प्रदेश भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नामनी नगरे सम्मत 2081 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासे शुभैः शुक्लपक्षैः अध्यायः देवोत्थान एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भौमवास्रान्वितायां मा उत्तराभाद्रपद दिवस नक्षत्रैः मीन राशिस्ते श्रीचंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्रीदेवराज गुरोः तुला राशि स्थे श्री सूर्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थित सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्ठायाम शुभ पुण्य तिथौ। आप सब बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो कश्यप गोत्र या ब्रह्म गोत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। मम सपरिवारस्य सकुटुंबस्य जनानाम आयुः आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्ध्यर्थम आदि देवी का आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्ट लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यांश्च चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन चित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे देवोत्थान एकादश्यायाम व्रत कर्माहं करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें।
कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे परमात्मा, मैं आज पूरे विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए देव उठनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए संपूर्ण विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। यदि मेरे द्वारा जाने में, अनजाने में, ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो करुणा के निधान है, आप तो कृपा के सागर है, आप तो दया के सागर है, और आप प्रत्येक भक्तों को उनकी गलती पर क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा और एकादशी के दिन सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें, माता पिता गुरुजनों को, साधु संतों को, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन अर्चन करें। इस दिन चूंकि तुलसी माता का विवाह संपन्न होगा, इसलिए इस दिन तुलसी माता के यहाँ शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, तुलसी माता का अच्छी प्रकार से जल अर्पण करके गंध अक्षत पुष्प से पूजन अर्चन करें। ध्यान रखें, तुलसी जी में कभी भी दही नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी जी के ऊपर एक चुनरी ओढ़ा करके रखना चाहिए। इस दिन अवश्य एक चुनरी ओढ़ा देवे तथा इस दिन गौ माता का पूजन अर्चन करें, गौ माता के लिए भोज्य पदार्थ की व्यवस्था करें, यदि संभव हो तो गौ माता को भी फल या फलाहारी वस्तु खिलाए तथा किसी भी मनुष्य को इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं तो आप इस दिन फलाहारी वस्तु का ही प्रसाद वितरण करें और सभी को इस दिन फलाहार का उपयोग करना चाहिए। फलाहार आप एक समय, दो समय, तीन समय ले सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। नमक भी आप एक, दो, तीन बार खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, आपको दवाई खानी होती है, तो आप फलाहारी वस्तु खा करके दवाई खा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। ध्यान रखें, फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है, सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसमें केवल फलाहारी उपयोग का उपयोग करना चाहिए। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल बताए गए हैं। सभी प्रकार के फल इस एकादशी में उपयोग आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल न करे तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना गया है, किसी भी प्राणी का, जीव का अपमान बिल्कुल न करे, अनादर बिल्कुल न करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और दिन में सोना नहीं चाहिए तथा रात्रि में जितना संभव हो सके भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करें। भगवान का इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रातः काल के समय एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान शालिग्राम का, तुलसी माता का, भगवान लक्ष्मी नारायण का कलश का विशेष पूजन अर्चन करें, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण दूल्हा बनेंगे। इसलिए यदि आपके घर में लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल जी है, तो उनका इस दिन अच्छी प्रकार से श्रृंगार करें, उनको हल्दी के उपटन से स्नान कराएं और दूल्हे की भांति उनको मोर मुकुट धारण करवाएं, सुंदर वस्त्र आभूषण उनको पहनाएं, तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाएं, तुलसी माता का पूजन अर्चन करें और भगवान को अनेक प्रकार के मिष्ठान्नों का, मिठाइयों का भोग अर्पण करें। जिस प्रकार हम अपनी कन्या के विवाह में अच्छी अच्छी प्रकार की मिठाइयां बनाते हैं, बहुत सारे व्यंजन तैयार करते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं और बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करते हैं, उसी प्रकार हमको माता तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में संपन्न करना चाहिए। वैसे तुलसी विवाह की जो विधि है वो गोधूली वेला में, यानी एकादशी के दिन 12 नवंबर 2024 मंगलवार को गोधूली के समय, गोधूली का अर्थ होता है प्रदोष काल का समय, यानी शाम को लगभग 6:30 बजे
सूर्यास्त अधिकतम स्थानों पर होगा, तो एक घंटे पहले यानी 5:30 से लेकर के 7:30 बजे तक आप तुलसी विवाह संपन्न करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। वैसे तो रात्रि में भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि आप एकादशी के दिन किसी कारणवश तुलसी विवाह संपन्न नहीं कर सकते हैं तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक पंचरात्र में कभी भी आप तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न कर सकते हैं। ऐसा पुराणों में बताया है, हम अपने मन से नहीं बोलते हैं। द्वादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन या कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के दिन भी आप तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न कर सकते हैं। पंचरात्र व्रत का भी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णन है कि जो मनुष्य कार्तिक माह में पूरे महीने में स्नान दान कथा का श्रवण नहीं कर पाता है, वो यदि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली तक नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेगा, दीप दान कर लेगा और व्रत करके कार्तिक के सभी नियमों का पालन कर लेगा, उसे कार्तिक माह के पूरे महीने का अक्षय पुण्य फल प्राप्त होगा। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से ही सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। जब अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप एकादशी व्रत का पारणा करेंगे उस समय ब्राह्मण देवता को भोजन करवाना चाहिए। इस बार देवउठनी एकादशी का महापर्व 12 नवंबर 2024 मंगलवार को है और व्रत का पारणा 13 नवंबर 2024 बुधवार यानी प्रदोष के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको करना चाहिए। अब हम आप सभी को देवउठनी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वेपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचण्डलं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हवतं सप्रियं श्रीवात्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषणं भजे। जय जय श्री राधा रमणो।
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माति मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभो, मैं आपके श्री मुखारविंद से आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनना चाहता हूं। भगवान बोले कि तुमने परोपकार की भावना से, लोक कल्याण की इच्छा से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुमको कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान कहते हैं कि मेरा विवाह वृंदा के साथ, तुलसी के साथ संपन्न हुआ था, इसलिए इसे तुलसी विवाह महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत कथा के संदर्भ में पुराणों में बताया हुआ है कि एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर के पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे आप अपने राज्य में नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुमको हम नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु प्रतिदिन तो तुम्हें भोजन के रूप में अन्न मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुमको अन्न का परित्याग करना पड़ेगा। उस दिन तुमको अन्न खाने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, उस दिन भोजन नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हां कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे तो आप अन्न दे दीजिए। राजा ने उसके सामने शर्त की जो बात थी वह याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि भोजन की सामग्री दी। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन तैयार करने लगा। जब उसका भोजन तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, आप भी भोजन पालो।
उसके बुलाने पर पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज नारायण वहां पर आ पहुंचे तथा प्रेम के साथ उस व्यक्ति के साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान वहीं पर अंतर ध्यान हो गए तथा वह भी अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, आप मुझे पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री, भोजन बनाने की कच्ची सामग्री दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ स्वयं भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर के राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूं, यज्ञ करता हूं, अनुष्ठान करता हूं, इतने दान पुण्य और श्रेष्ठ कर्म करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए हैं। भगवान साक्षात कभी ऐसे आते हैं क्या? राजा की बात को सुनकर के वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चल करके देख लीजिए। राजा उस व्यक्ति के साथ गए और एक पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ने लगा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान करके शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर के उसे रोक लिया, उसका हाथ पकड़ लिया और साथ बैठ करके भोजन करने लगे। भोजन करके वे अपने विमान में बैठ करके अपने धाम को प्रस्थान कर गए। यह देख करके राजा ने विचार किया कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध न हो। इसके बाद राजा को आत्मज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में प्रभु की कृपा से वह एक सुंदर विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। देवउठनी एकादशी की एक और कथा है, उसमें बताया है कि एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाही और भगवान ने एक सुंदरी का स्वरूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा इधर से निकला और सुंदरी को देख करके चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूं, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किसी सहायता मांगो। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले कि तुम मेरे महल में चल करके मेरी रानी बन करके रहो। सुंदरी बोली कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगली बार एकादशी आई, रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवान तथा अभक्ष भक्षण वस्तुएं परोस करके राजा को भोजन करने को कहा। यह देख करके राजा बोला कि रानी, आज तो एकादशी का व्रत है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि या तो भोजन करो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर आप दे दे, लेकिन अपने वचन को न छोड़े। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन हमारा धर्म यदि एक बार नष्ट हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल करके आ गया। मां की आंखों में आंसू देख करके वह रोने का कारण पूछने लगा तो मां ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने को तैयार हूं, अपने प्राणों का परित्याग करने को तैयार हूं, पिताजी के धर्म की रक्षा अवश्य ही होगी।
और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा मैं उत्पन्न नहीं करूंगा। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर के असली बात बताई और भगवान ने कहा कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें, आप हमारा कल्याण करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा, राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं विमान में बैठ करके परम धाम को वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार जो कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है या इस कथा का श्रवण करता है उसे एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है और उसे धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख पति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी स्वामी शरण गहूं मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहुं दयामय किस विध मिलहुं दयामय तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलतालकाये कपाल मालांकित शेखराये दिव्यांबराये च दिगंबराये नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न तेहनकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नभो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराजमाधिपत्यमय्यम समंत पर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अंतार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एक राडिति तदप्येष श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्ठारो मरुतस्य अवसान गृहे आविक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वात चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। ओम आदिशक्ति च विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवार सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री कृष्ण चंद्र परमात्मने नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। अथ क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हर। त्राहि मां लक्ष्मीनाथ सर्वपाप हरो हर। त्राहि मां शारदानाथ सर्वपाप हरो हर। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव देव की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। आज के आनंद की जय हो। कल के आनंद की जय हो। परसों के आनंद की जय हो। बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर।
काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप देवउठनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को फलाहार करवाना चाहते हैं, या हमारे माध्यम से तुलसी विवाह की विधि संपन्न करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, भूमिदान, वस्त्रदान या पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धन राशि पहुंचा करके देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्त जनों को, माताओं बहनों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, आपको और आपके पूरे परिवार को। सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।